आज हम बनाएंगे ब्लैक करंट आइसक्रीम और ये आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार बढ़िया बन के तैयार होती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर के ही कुछ सामान से आप इस आइसक्रीम को बना ले जाएंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट सी आइसक्रीम को बनाना और देखें कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बनी है, एकदम क्रीमी है और बड़ी ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी टेस्ट की है। इसके लिए क्या क्या चाहिए चलिए देख लेते हैं। इसके लिए चाहिए सबसे पहले हमें काले अंगूर और इसी से आज हमारी बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम बनने वाली है। तो यहाँ पे आपको एक कप काले अंगूर चाहिए हैं और इन्हें डाल देना है मिक्सी के जार में, बढ़िया से ग्राइंड कर लेना है। तो बस मैंने कुछ इस तरह से मिक्सी के जार में डाल दिया है, अब इन्हें ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड होने के बाद कुछ इस तरह से ये पल्प बनके तैयार होगा और बस इसी तरह से हमें इसको रखना है। अब हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे और पैन में इसे डाल देंगे। तो देखें सब जूस हमने इसमें डाल दिया है। अब हम 2 मिनट के लिए इसे इस तरह से चलाएंगे ताकि ये गर्म हो जाए और इसका जो पानी है वो हल्का सा जल जाए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए ही आपको इसे इस तरह चलाना है। इसके बाद इसमें डाल देनी है 1/4 कप चीनी। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो। इसका एक जल सा बना के तैयार कर लेते हैं। तो बस धीमी आँच में लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे जब तक कि अच्छे से थिक ना हो जाए। अभी आप देख रहे होंगे पानी अलग है इसका और ये जो बन के तैयार हो रहा है और कुछ देर बाद ये पानी सा इस तरह से छोड़ देता है, पानी अलग है और ये अलग है। तो जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती हैं दोनों चीज़ें, इसी तरह से हम इसे पकाएंगे ताकि ये बढ़िया से मिक्स हो जाए और बस लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। 4 से 5 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, मीडियम आंच में आप पका लेंगे तो सिर्फ 4 से 5 मिनट। अब देखें ये पक के तैयार हो गया है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। इसे साइड रख देंगे और एक पैन ले लेंगे और पैन में डाल देंगे 2 कप दूध। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है और अब हम दूध को लगातार चलाते हुए पकाएंगे, इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और देखिए दूध में उबाल आ गई है, कुछ इस तरह से दूध हमारा पक रहा है। अब हमें क्या करना है, इसे धीमी आंच में इसी तरह से छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे अब 1/4 कप दूध ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए कॉर्नफ्लोर 1/2 चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और बढ़िया से घोल बनाकर तैयार कर लीजिए। कुछ इस तरह से घोल आपका ये दिखेगा। अब जो दूध है वो अच्छे से पक के तैयार हो गया है, आप देखिए बहुत ही गाढ़ा हो गया है और ये हमने काफ़ी गाढ़ा कर लिया है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और जो किनारों पर मलाई है वो भी कुछ इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें इसे दूध को गाढ़ा करके ही लेना है। तो ये तो तैयार हो गया है, अब इसमें हमें कॉर्नफ्लोर मिलाना है। तो हम आँच को धीमा कर लेंगे और धीमी आँच में धीरे धीरे करके कॉर्नफ्लोर मिला देंगे ताकि कोई गुल्ठे वगैरह इसमें ना पड़ पाए और सारा कॉर्नफ्लोर हमें इसी तरह से डाल देना है और चलाते रहना है। अब देखेंगे जब कॉर्नफ्लोर हम इसमें मिला देंगे तो एकदम ये क्रीमी और गाढ़ा हो जाएगा। तो देखें घर के ही कुछ सामान से आपकी ये आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी। अब देखें कितना ज़्यादा ये क्रीमी और बढ़िया दिख रहा है। तो इस समय आपको क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। जब इस तरह से इसमें उबाल दिखने लगे, बबल्स दिखने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए और इसे निकाल के ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद इस तरह से एक बार चला दीजिए और बीच बीच में फिर से इसे चलाते जाइए ताकि ये इसमें ज़्यादा मलाई ना पड़ पाए और इस तरह से हम इसे चला के गाढ़ा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पल्प बना के तैयार किया था अंगूर का, इसे डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और देखें अभी मुझे बहुत डार्क कलर चाहिए था तो मैं बचा हुआ भी डाल दे रही हूँ। आप चाहो तो आधा पल्प बचा के भी रख सकते हो
और फिर वो बाद में यूज कर सकते हो। पर मैंने सारा जितना बनाया था एक साथ ही डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि इसका कलर बहुत ही प्यारा आए। और अच्छे से ये मिक्स हो गया है, अब क्या करेंगे, इसे न डालेंगे मिक्सी के जार में। तो बस इसे हम डाल देते हैं मिक्सी के जार में। बढ़िया से हमें फेंट के इसे तैयार करना है, और जब आप इसे मिक्सी के जार में डालकर फेंटेंगे तो बढ़िया सी क्रीमी क्रीमी बनके तैयार होगी। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी तो मैंने थोड़ा इसमें दूध ऐड किया और मिक्सी के जार को चला दिया, तो कुछ इस तरह से ये दिखने लगी है। अब हम क्या करेंगे, घर की कोई ट्रे ले लीजिए या फिर थाली ले लीजिए जिसमें हम खाना खाते हैं, उसमें भी आप इसे अच्छे आराम से सेट कर सकते हो। अब हमने सारी इस तरह से क्रीमी क्रीमी बढ़िया से आइसक्रीम को डाल दिया है, फ्रीजर के अंदर रखना है। उससे पहले हम इसे कवर कर देंगे प्लास्टिक शीट से ताकि कोई बर्फ़ या गंदा पानी इसके ऊपर ना गिरे। कवर करने के बाद आपको इसे ज़्यादा देर तक फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 घंटे में ही ये बनके तैयार हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही पतले तरीके से मैंने इसे फैलाया है। और 3 घंटे बाद आप देखेंगे कितनी बढ़िया ये सेट हुई है। तो काले अंगूर से ज़बरदस्त एकदम क्रीमी क्रीमी बढ़िया आपकी रोल कट कुल्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। अब हम इसे रोल कट को कैसे काटेंगे, तो मैंने यहाँ पे ग्लास ले लिया है और ग्लास की सहायता से इस तरह से इसमें रोल कट हम काट लेंगे। तो आइसक्रीम आपकी बनके तैयार हो गई है, रोल कट एकदम सॉफ्ट मुलायम बनी है। अब हम इसे इस तरह से सारे काट के तैयार करेंगे और आपको निकाल के दिखा देंगे कि कितनी ज़्यादा बढ़िया और इजी तरीके से आप इसे बना ले जाओगे। एकदम सरल तरीके से है, ना निकालने की परेशानी ना कोई झंझट। अब इसे निकालना भी बहुत ही आसान हो गया है, बस इस तरह से आप थोड़ा सा इसके बीचम बीच जगह बना लीजिए और देखें कितनी ज़्यादा क्रीमी और बढ़िया बनी है। तो अब हम इसी तरह से बाकी की भी निकाल लेंगे। काले अंगूर की बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी, एकदम सॉफ्ट और मुलायम है। तो बस इसे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी।